आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता लेकर आई हूँ, जो एक कप पोहे से बनता है और एकदम कुरकुरा। तो दोस्तों, ये जितना बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, और धनिया और टमाटर की चटनी के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल बजट की रसोई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बातें बहुत हो गई हैं, अब चलिए फटाफट रेसिपी देख लेते हैं। ये एक कप हमने पोहा लिया है, जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं पोहे बनाने के लिए। उसे अच्छे से हम 2 से 3 पानी वॉश कर लेंगे, और उसे 5 मिनट के रेस्ट के बाद इस तरह से हाथों से हम मलेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें इसे अच्छे से मलना है, और ये आसानी से इस नरम हो जाता है और एकदम डो फॉर्म में आ जाता है। तो हमें इस तरह से इसे मलना है। और ये देखिए, डो फॉर्म में आ गया। हम कुछ चीज़ें डालेंगे इसमें, बारीक कटा हुआ धनिया, प्याज और मिर्ची। मिर्ची कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। आप और भी वेजिटेबल्स इसमें डालना चाहें तो डाल दीजिए, बहुत ही हेल्दी बनता है और इसे बनाना बहुत आसान है। फिर जीरा आधा चम्मच हम अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू डाल सकते हैं। उसी के साथ चाट मसाला डालेंगे, खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा अच्छा। और उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं। मैंने 1.5 कप इसमें साबूदाना डाल दिया है, और जिससे कि मेरे पास पड़ा था तो डाल दिया। इसकी जगह पे आप सूजी भी डाल सकते हैं। हमने साबूदाना लिया है, तो ये 1 कप हम लगभग इसमें भुना हुआ सेंगदाना डालेंगे पीस कर हल्का। और उसके साथ ही बाइंडिंग के लिए हम इसमें 1 कप बेसन डालेंगे, और टेस्ट के अनुसार नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से हम पहले मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से सभी चीज़ों को मिलाना है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें पानी की मात्रा कितना इस्तेमाल करना है। पानी बहुत ही कम लगता है, और इसे आप क्या रात को भी बनाकर रख सकते हैं, सुबह सिर्फ आपको फ्राई करना है। तो नाश्ता बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। हमारा आधा काम इस तरह से अगर हम रात को ही बनाकर रखेंगे तो सुबह बहुत आसानी से बन जाता है। इस तरह से बाइंडिंग करेंगे हम। आप आलू भी डाल सकते हैं, जिससे जल्दी से बाइंडिंग हो जाती है। इसमें मैंने थोड़ा पानी मिलाकर इसे एक डो फॉर्म में रखा। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेकर इस तरह से हमने इसे साबूदाना वड़ा के शेप में दे दिया हुआ है। ये बिल्कुल भी हाथों को चिपकता नहीं। अगर आपके हाथ में चिपक रहा है तो हल्का सा पानी लगा लीजिए या तेल, और इस तरह से इसे वड़ा फॉर्म में बना दीजिए। ये देखिए, मैं आपको दूसरा भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आप बना लीजिए। बनाना बहुत ही आसान है, इसे बच्चा भी बना सकता है। तो इस तरह से मैंने सारे चीज वड़े को बना लिया है। और हाँ दोस्तों, आप इसका क्या नाम देना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैंने तो पोहा साबूदाना कटलेस नाम दिया हुआ है। तो झटपट से मैंने सारे वड़े को बना लिया हुआ है, कटलेस को। तो हम अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। हमने एक पैन में तेल को अच्छे से गरम कर लिया हुआ है। उसके बाद जितना पैन में आ जाएगा उतना हम इसमें डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो ये कच्चा रहेगा। हाँ, और तेल मीडियम ही रखना है, बहुत फास्ट नहीं रखना है। फास्ट रखेंगे तो जल जाएगा, और धीमा रखेंगे तो कटलेस तेल पी लेगा और ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखें, और एक चाकू की सहायता से उसे पलटी करें। ये देखिए, ऊपर कितना प्यारा कलर आ गया है। तो हमने ये इसे निकाल लेना है, और इसी तरह से हमें सारे कटलेस को बना कर लेना है। देखिए, इस तरह से दूसरा बैच भी मैं डाल रही हूँ। वही सेम प्रोसेस होगा अब दोस्तों, जितना भी आपको बनाना है उस तरह से सारे कटलेस को हमें तेल में फ्राई करना है। जब एक तरफ पक जाएगा तो उसे चाकू या किसी नुकीले चीज से पलटी कर लेना है, जिससे कि एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो फिर दूसरी तरफ हमें इस तरह से
पलटी करना है। इसे बहुत समय नहीं लगता है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि इसे मीडियम आंच पर ही बनाना होता है, बहुत फास्ट नहीं रखना पड़ता, बहुत धीमा गैस को नहीं रखनी पड़ती है। तो इस ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो ये जल्दी जल्दी बन जाता है और बिल्कुल भी फटता नहीं है और ये झटपट बनकर तैयार होता है। अगर आपका तेल कम हो तो उस पर थोड़ा सा तेल इस तरह से हिला देंगे तो कटलेट्स के ऊपर भी तेल आ जाता है और ये आसानी से पक जाता है। दोस्तों ये बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप बच्चों के टिफ़िन में या बड़ों के नाश्ते के लिए बना सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही है और बनाना बहुत आसान है। इस तरह से मैंने सारे नाश्ते को बना लिए, चलिए सर्व करते हैं। ये देखिए धनिया चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं और ये देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितना ये टेस्टी और ऐसा लग रहा है जैसे कि साबूदाना वड़ा है। बिल्कुल भी नहीं, साबूदाना वड़ा नहीं है, ये पोहे का एकदम कटलेस है। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना रही हूँ, बहुत ही ये क्रिस्पी बना है। ना हमने चावल लिया, चावल का आटा डाला है, ना इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है और ये बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट और फ्लॉपी है, बहुत ही बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो इस तरह से आप बनाइए और इसे इंजॉय कीजिए। दोस्तों ये रेसिपी आपने यूट्यूब पर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, एक बार मैं फिर आपको आवाज़ सुना रही हूँ। और दोस्तों मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है तो मैं इसे चल रही हूँ टेस्ट करने। आप भी झटपट ये रेसिपी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी ये वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट करें और मेरी ये चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से बजट में रहकर नई नई रेसिपी लाती रहती हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे बहुत पसंद करते हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी।